हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो क्या रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q2 रिजल्ट, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपना Q2 रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा नोटिफिकेशन, बजाज फिनसर्व के तरफ से आया है। 21 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में Q2 का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या रहा Q2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q2 रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2024 तक का रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयरली एंडेड, ईयर एंडेड और जो भी कैलकुलेशन इन क्रोर्स में कैलकुलेशन है। टोटल इनकम करंट क्वार्टर में 2410.24, पिछले क्वार्टर में 2208.73 और उससे पहले क्वार्टर में 1911.55। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला इन टोटल इनकम और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला इन टोटल इनकम। एक्सपेंसेस कंपनी कितना खर्चा कर रहा है 1702.65 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1578.85 और उससे पहले क्वार्टर में 1336.55। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 707.59 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 629.88 और उससे पहले क्वार्टर में 575.0। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जो है बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट क्वार्टर में 545.60 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 482.61 और उससे पहले क्वार्टर में 451.11। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करंट क्वार्टर में 550.82 करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 483.24 और उससे पहले क्वार्टर में 450.80। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर करंट क्वार्टर में 0.69, पिछले क्वार्टर में 0.62 और उससे पहले क्वार्टर में 0.67। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है, तीनों क्वार्टर में। तो ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।